हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम अरबशा है और आप देख रहे हैं अरबशा फिटनेस चैनल। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस व्लॉग में। मैं आप लोगों को अपनी पूरी दिन की डाइट भी दिखाऊंगा और वर्कआउट भी दिखाऊंगा। गाइस, मैं आप लोगों को अब कैसे अपना काम भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। किसी भाई ने बोला भी था अपना काम क्या करते हो, वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा क्या करता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल सुबह में क्या खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ मैं फूले हुए चने, रात को फुलो दिए थे, और इसके अंदर जो पानी है इसको भी पीऊँगा मैं, फेंकूँगा नहीं इसको। अब मैं ले रहा हूँ आधे स्कूप वाटर के अंदर, और दोस्तों यह है पावर प्रो। इसके बाद मैं लूँगा दोस्तों ड्राई फ्रूट्स। इसके अंदर मेरे लिए दो खजूर हैं, चार बादाम, काजू, पिस्ते, किशमिश, ये ले रहा हूँ मैं प्रोटीन के बाद। जब दोस्तों मैं काम पर जाऊँगा तो मैं जब लूँगा दूध का दलिया, वो ये रहा दूध का दलिया है, इसको खा करके मैं काम पर जाने वाला हूँ। 12 बज गए दोस्तों दोपहर के। अब मैं खा रहा हूँ दलिया दूध का बना हुआ, ये मैं ले आया हूँ टिफिन में घर पर से काम पर। लंच का समय हो गया गाइस, तो मैं आलू के चंदे लेकर के आया हूँ। 1:30 बजे हैं इस वक्त, मैं खा रहा हूँ। फाइनली गाइस, तो शाम के बज गए हैं 6। अब मैं खा रहा हूँ 2 ब्राउन ब्रेड। इसके बीच में मैंने लगा रखा पीनट बटर, मैं घर से लेकर के आया था अपने काम पर। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ। तो भाई आ रहा है, तब आप लोगों को दिखाऊँगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ ये क्या है, ट्रेन सी दोस्तों। ये यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत लंबी है, अंदर दिखा दे रही हूँ आपको, दिखाऊँ। इसको ट्रॉली बोलते हैं, इसको पर माल लगता है, माल आधा बिस्किट होता है इस पर, मतलब आधा पकाई होती है और फिर फुल पकता है, वो बन जाता चीनी मट्टी। अभी फ़िलहाल जो हम जिस पर काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो कच्चा होता है कुछ इस तरह से। यहाँ अंधेरा हो रहा, दिखाता हूँ मैं आपको उधर को। ये यहाँ इसमें आग लगती है इसके अंदर, इससे ब्लोअर से इसमें चलता है गैस, मिट्टी का तेल भी चलता है, काला तेल भी चल जाता है। ये मीटर से इसकी चेकिंग होती रहती है कितनी गैस जा रही है या कितना तेल जा रहा है। और दोस्तों जैसे ये है, इसको बोलते हैं आधा बिस्किट, तो ये आधा पका हुआ है, इस पर हम काम करते हैं। पकने के बाद में कुछ इस तरह होता है, मैं दिखाता हूँ। ये भी दिखाऊंगा कि हम पेंटिंग काम कैसे करते हैं। देखो ये है पके हुए, ये ऐसे चमक जाते हैं कुछ इस तरह से, दिख रहे हो पेंटिंग ऐसा चमक रही है। तो ये दराज में खिड़कियों में लगते हैं, जैसे इस बोर्ड में ये लग रहे हैं नोप, इसको बोलते हैं नोप। और मैं अपने हाथ की एक पेंटिंग दिखाता हूँ आपको, यह है मग्गा, इस पर मैंने पूरी लिखाई अपने हाथ से की है, दिखाता हूँ पलट घुमा के। इस पर मैंने पूरी पेंटिंग अपने हाथ से की है, ये पकने के बाद अच्छा लगेगा बहुत। यहाँ बैठ कर हम काम कर रहे हैं दोनों भाई, एक भाई जमात में गया है, तो हम तीन भाई आते हैं यहाँ। और मैं आप लोग पेंटिंग करके भी दिखाऊंगा कैसी हो रही है इस वक्त। इस वक्त ये वाली पेंटिंग कर रहे हैं हम, तो मैं आप लोगों को कुछ और बना करके दिखाऊंगा जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। और माल निकलता है ये इसके अंदर, कुछ इस तरह की डाई होती है, और ये मिट्टी छनी हुई गीली है थोड़ी, इससे माल निकलता है। ये हमने पेंटिंग की थी केमिकल से, और इस पर जो हमने ग्लेच करा है वो पेंटिंग पे से हट गया है, तो यह है केमिकल, यह है प्लान, इस पर होगी पेंटिंग अलग। तो यह है फैक्ट्री हमारी पूरी, वैसे बाहर से काफ़ी बड़ी है, बाहर से काफ़ी बड़ी है, टावर भी लग रहा है यहाँ। और यहाँ हम काम करते हैं, यह है तेल की टंकी जिससे ये भट्टी चलती है। तो सब जगह माली माल है। ये जो मोल्ड देख रहे हैं आप, इसको मोल्ड बोलते हैं, इसमें मिट्टी डालते हैं गीली, और जब इसमें से निकलता है ये मग्गा, ये वाला, और कच्चे अंदर भी रखे हैं, ये देखो ये है कच्चा माल। और कुछ पेंटिंग का माल हमारा यहाँ भी है, ये देखो ये सब हाथ से और मोहर से बनी हुई पेंटिंग है सब। और ये जो पेंटिंग का माल है, ये है हैंगर,
इस पर कपड़े वगैरह टंगते हैं, कुछ भी टांग लो। और यह है मशीन जिसके अंदर मोटी मोटी मट्टी पीसते हैं और बारीक ऐसी हो जाती है, फिर इसको पानी डाल के थोड़ी गीली की जाती है और दूसरे दिन उसको चलाई जाती है। फ़िलहाल जो पेंटिंग कर रहे हैं दोस्तों हम ये वाली कर रहे हैं, इस पर मैं लाइन मार रहा हूँ इसकी घाइयों में, इसको बोलते हैं खरबूजा। और इस पर जो तो भाई दूसरा वाला वो मारेगा इस पर चेरी की पत्ती, कुछ इस तरह से ये लगा रहा पत्ती को। और ये यहाँ पूरा तैयार है अब, तो ये रख देगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टमाटर पे, इसको टमाटर बोलते हैं, इस पर बना कर दिखाऊँगा दूसरी पेंटिंग जो थोड़ी केड़ी है, वो तो आसान थी। तो ये मैं बना रहा हूँ पत्ती, इसके बीच में है एक परदास, तो इसके नीचे भी बनेगा एक डिजाइन। ये दो लाइनें हैं आपस में मिला करके, और ये लहर दे करके बीच में बनाई है मैंने दो लाइन और एक परदास। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हम हाथ से ही पेंटिंग करते हैं। और ये मोहर से ही बना सकता हूँ मैं, मोहर कैसे बनाते हैं, चप्पल से, जो सादा हवाई चप्पल होती है ना, उससे ब्लेड से, ऑपरेशन ब्लेड से मैं बनाता हूँ काट करके। तो डिज़ाइन उस पर काट लेता हूँ चप्पल पर घिस के उसको प्लेन करके। ये हमारा हो गया पूरा तैयार, पूरा तैयार ही। तो कुछ इस तरह से पेंटिंग करते हैं हम। फाइनली गाइस, तो मैंने अपना काम भी दिखा दिया आप लोगों को, तो मैं दूसरा भाई दिखाता हूँ आपको। तीसरा भाई गया है जमात में, आज मैं नहीं दिखाऊंगा। ये रहा मेरा भाई, ये देख रहे हो, तो कुछ भोएगा भी ना। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दे पाया कल की, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ रीज़न पड़ गया था, तो आज व्लॉग को बनाइए। मैंने आप लोगों को काम भी दिखाया है और बने रहना वीडियो में अंत तक। तो मैं आप लोगों को वर्कआउट भी दिखाऊंगा, उससे पहले क्या खा रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। फाइनली दोस्तों, जिम में जाने का वक्त हो गया है, तो मैंने ले लिया है एक आधा गिलास पानी लिया है, इसके अंदर मैंने एक स्कूप क्रिएटिन लिया है और आधा स्कूप लिया है मैंने एनर्जी प्रो का। दोस्तों जिम में एक्सरसाइज के बीच बीच में पीने के लिए मैं ले रहा हूँ BCAA, ये मैं लेकर करके जाऊँगा एक आधा स्कूप पानी के अंदर बोतल में ले जाऊँगा और जिम के बीच बीच में पीता रहूँगा वर्कआउट के, तो एक दो वर्कआउट के बाद में पीना स्टार्ट करूँगा, तो ये पी लेता हूँ मैं पहले। दोस्तों वर्कआउट में मैं इस ब्रेंच को लगा रहा हूँ, सीधी वाली को रोड लगा रहा हूँ, इसके बाद में हाथों हाथ लूँगा मैं डंबल्स। ये दोस्तों ये मैं जो लगा रहा हूँ एक सेट रोड का और एक सेट डंबल का, इस तरह से इस सेट को परफॉर्म करूँगा, तीन तीन सेट लगाऊँगा और रिपीटेशन 16 से 17 तक रखूँगा। अब गाइस ये वाली ब्रेंच लगा रहा हूँ जो पीछे से उठी भी होती है, इस पर रोड लगाऊँगा सबसे पहले, फिर लगाऊँगा मैं डंबल्स हाथों हाथ रोड के बाद में। दोस्तों ये दोनों ब्रेंचें मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, इसके बाद में फिर सारे सेट जो होंगे वो होंगे सिंगल सिंगल, तो उसमें मैं आप लोगों को म्यूज़िक लगा करके दिखा रहा हूँ। गाइस, तो वर्कआउट से फारिग हो चुके हैं हम दोनों, जाते हैं अपने घर और लेते हैं डाइट वगैरह। तो बाइक ये रही हमारी, स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी सर्विस कर लेते हैं उस दिन जो आपने वीडियो देखी होगी। तो इसके अंदर मैं लेकर के आया था BCAA। फाइनली दोस्तों अपना घर आ गया हूँ, तो डाइट में ले रहा हूँ सबसे पहले मैं वाटर के अंदर अपना प्रोटीन पावर प्रो, ये रहा दोस्तों इसका मैं लूँगा एक फ्रूट। और दोस्तों इसके बाद मैं लूँगा मैं ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने ले लिए हैं मखाने, दो खजूर हैं, काजू हैं, पिस्ते हैं, किशमिश है और चार बादाम हैं, ये खाऊंगा मैं प्रोटीन के बाद में। फाइनली गाइस, तो अब सोने का वक्त हो गया है, सोने से पहले मैं ले रहा हूँ मिल्क, एक गिलास सा मैंने मिल्क ले लिया है ये रहा। और दोस्तों इसके साथ मैं लूँगा मैं एक चम्मच अपने देसी पाउडर, इसके अंदर मैंने मिला रखा है। और दोस्तों इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, अश्वगंधा, सीतावर, सफ़ेद मूसली, तो इसका मैं एक चम्मच लेता हूँ सोते समय दूध के साथ में। तो बस दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, मैंने आप लोगों को अपनी फुल डे दिखा दी है वीडियो और मैंने अपना काम भी दिखाया है। तो दोस्तों बताना है इस वीडियो में आप लोगों को मेरा काम कैसा लगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने इंस्टाग्राम की दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना, वहाँ मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।